हे गाइस, वेलकम टू कॉमर्स की पाठशाला। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डीसीओसी 186, आई होप कि आप ये पेपर काफी अच्छा जा रहा होगा। अभी तो स्टूडेंट्स एग्जाम दे रहे होंगे, सो ऑल द बेस्ट मैं नहीं बोल पाया, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एग्जामिनेशन। नाउ कल का जो आपका पेपर है डीसीओई 141 का, उसमें हम एक एक करके जितने वीडियोस में कोशिश करूंगा आज बना देने के, ताकि आपका जो है कल का पेपर अच्छा हो जाए। हालांकि बीसीओई 141 का ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पे ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस हैं और भी मैं अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए यार, तो नोट्स के लिए आप हमें कॉल कर सकते हो। तो नोट्स की कीमत यहाँ पे दिख रही है आपको, ये अभी एक्चुअल प्राइस नहीं है, ये प्राइस काफी पहले की है। अभी आपको नोट्स जो है सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज में मिल जाएंगे। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको नोट्स चाहिए, वो फटाफट हमें कॉल कर लो या व्हाट्सएप कर लो। नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज में मिल जाएगा। आज का हमारा पहला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में बीसीओई 141, वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मार्केटिंग एनवायरनमेंट एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू स्कैन द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होता है और इसको स्कैन करना क्यों महत्वपूर्ण है। किसी भी एनवायरनमेंट को स्कैन करना मतलब उस मार्केट में अगर आप एंट्री करने वाले हो तो उसको स्कैन करना पड़ता है, वो क्यों जरूरी है, ये हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ ही साथ हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन द वेरियस कॉम्पोनेंट्स ऑफ द मार्केट एनवायरनमेंट ब्रीफली। ठीक है, जो वेरियस कॉम्पोनेंट्स हैं आपके मार्केटिंग एनवायरनमेंट के, वो कौन कौन से हैं, वो हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी। एक बार मैं फिर से बताता चलूं कि हमारे बीकॉम के नोट्स आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज पर पेपर में मिल जाएंगे। तो आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं टू गेट द नोट्स एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, तो फिर आज का लेक्चर हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं मार्केटिंग एनवायरनमेंट के बारे में कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या होती है। So the marketing environment consists of the external factors and forces that affect a company's ability to develop and maintain successful transactions and relations with its target customers. सिंपल सी भाषा में बताया गया है कि मार्केटिंग एनवायरनमेंट का मतलब जो है, यहाँ पे दो तीन फैक्टर्स एंड फोर्सेस की बात की जा रही है, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है, जैसे आपका बिजनेस का जो डेली डे टू डे एक्टिविटीज है उसके ऊपर उसका असर पड़ता है। देखो बोला गया है जो कि आपको हेल्प करता है एक मेंटेन करने में एक सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन को, वो सारे फैक्टर्स, वो सारे फोर्सेज जो कि आपको एक मेंटेन करके रखने में हेल्प करते हैं सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन करने में, और रिलेशनशिप आपके जो टारगेट कस्टमर्स है उनके साथ आपका एक अच्छा रिलेशनशिप बना रहता है, ये सारी चीजें आप कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ये जो एनवायरनमेंट है यहाँ पे डिफरेंट फैक्टर्स हैं, डिफरेंट फोर्सेस हैं जिनको आपको कंट्रोल करना होगा, जिनको आपको उसके अकॉर्डिंग आपको खुद को अडैप्ट करना होगा। इट एनकंपासेस ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस अ कंपनीज मार्केटिंग स्ट्रेटजीज एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। अब इसमें वो सारे के सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स आ जाएंगे जो कि आपकी कंपनी की मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को इन्फ्लुएंस करते हैं या उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है ना, तो वो आपका मार्केटिंग एनवायरनमेंट आ जाएगा। मार्केटिंग एनवायरनमेंट का सिंपल सा मतलब समझो कि बाहरी फैक्टर्स या बाहरी फोर्सेस जो कि आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज को, आई मीन जो बिजनेस की मार्केटिंग एक्टिविटीज, जो स्ट्रेटजीज एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, इसको वो लोग अफेक्ट करेंगे। ठीक है, अगला है इंपॉर्टेंस की मार्केटिंग जो स्कैनिंग है, स्कैन करना क्यों जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ स्कैनिंग द मार्केटिंग एनवायरनमेंट है ना। इसको स्कैन करना, इसको समझना क्यों जरूरी है कि क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है। सबसे पहला पॉइंट है आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज एंड थ्रेट्स। जब भी आप किसी मार्केट में एंटर करते हो या फिर जब भी आप कोई मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपने बिजनेस में लाना चाहते हो, आप हमेशा फाइंड आउट करने की कोशिश करते हो कि क्या क्या आपके लिए अपॉर्चुनिटीज हैं उस मार्केट में और क्या क्या थ्रेट्स हैं, क्योंकि कई बार मार्केटिंग का गलत असर, आपके बिजनेस को चूज करने का गलत असर आपको देखने को मिलेगा आपके काम में, राइट? तो वो थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करना, क्या क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं, मौके हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। एंड दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, बाई एनालाइजिंग द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। आप मार्केटिंग एनवायरनमेंट को अगर आप एनालाइज करोगे, बिजनेसेस कैन आइडेंटिफाई पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज, आप अपने पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, और साथ ही साथ जो थ्रेट्स हैं आप उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, ताकि उसके अकॉर्डिंग जो है आप प्लानिंग कर सको, उसको किस तरीके से आपको टैकल करना है ये आप सोच सको। दिस एनेबल्स प्रोएक्टिव डिसीजन मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब इसमें आपको हेल्प मिलती है ताकि आप अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को भी ठीक तरीके से कर पाओ। दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग कस्टमर नीड्स। जो कस्टमर की नीड्स है उसको समझना, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट हेल्प्स इन गेनिंग इनसाइट्स इनटू कस्टमर प्रेफरेंसेस। अगर आप अपने मार्केटिंग एनवायरनमेंट को, अपने एनवायरनमेंट को ठीक तरीके से समझोगे, तो जो कस्टमर की प्रेफरेंसेस है, उनको क्या खाना पसंद है, क्या लेना पसंद है, क्या लेना पसंद नहीं है, ये जानकारी आपके पास तभी आएगी जब आप मार्केट को स्कैन करोगे। तो ये सारी चीजें आपको पता चलती हैं, आपको मार्केट कस्टमर का प्रेफरेंस पता चलता है, उसका बिहेवियर पता चलता है, उसकी उसकी नीड्स पता चलती हैं, विच इज एसेंशियल फॉर टेलरिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी, जो कि आपको हेल्प करता है
मार्केट के अकॉर्डिंग जो है मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बनाने में है ना, उसको टेलर करने में, टू मीट दोज नीड्स इफेक्टिवली, ताकि जो कस्टमर की नीड्स हैं उसको आप इफेक्टिवली पूरा कर पाओ। थर्ड पॉइंट इज स्टेइंग कॉम्पिटिटिव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक नेचर होता है किसी भी बिजनेस का, कि अगर आपको बिजनेस को आगे चलाना है, आगे बढ़ाना है, तो आपको कॉम्पिटिटिव बने रहना पड़ेगा, एंड दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू डू मार्केटिंग, राइट। और एक ऐसा वैसा मार्केटिंग नहीं, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग है ना, जो जरूरी है बस उतना ही करना है। रेगुलरली स्कैनिंग द मार्केटिंग एनवायरनमेंट हेल्प्स बिजनेसेस स्टे अहेड ऑफ कॉम्पिटिटर्स। देखो वही बात बोली गई है कि अगर आप रेगुलरली स्कैनिंग करते रहोगे तो जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है वो आपको हेल्प करेगा किसी भी बिजनेस को अपने कॉम्पिटिटर से, जो उनका जो ओपोनेंट है उससे आप आगे रह सकते हो, बेहतर रह सकते हो। ट्रेंड्स एंड शिफ्ट इन द मार्केट दैट कुड इम्पैक्ट देयर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, है ना, ताकि किसी भी तरह का अगर कोई मार्केट में किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नजर आता है या फिर कोई भी कॉम्पिटेटिव चीजें अगर होती है तो आपको एक एडवांटेज मिलेगा क्योंकि आपने पहले से स्कैनिंग कर रखी है, आपको पहले से जानकारी रहेगी। चौथा पॉइंट है अडेप्टिंग टू चेंज। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट अगर आप करते हो, अगर आप मार्केटिंग करते हो है ना, स्कैनिंग अगर आप करते हो अपने मार्केटिंग एनवायरनमेंट की, तो आपको पता रहेगा कि क्या 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 चेंजेस आपके मार्केट में आ रही है, क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं इन फ्यूचर में, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग आपको फिर खुद को अडेप्ट करना होगा ताकि आप उन चीजों को टैकल कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो द बिजनेस एनवायरनमेंट इज डायनामिक एंड कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डायनामिक है, गत्यात्मक है और कॉन्टिन्यूस इवॉल्व कर रहा है। बाई मॉनिटरिंग चेंजेस, आप अगर अपने चेंजेस को मॉनिटर करोगे ठीक तरीके से, बिजनेसेस कैन हेल्प देयर स्ट्रेटजीज टू स्टे रेलेवेंट। बिजनेसेस जो है अडेप्ट कर सकते हैं, डिफरेंट स्ट्रेटजीज बना सकते हैं जिसके जरिए वो अपने खुद को वो रेलेवेंट रख पाए और रिस्पॉन्सिव रख पाए मार्केट की डिमांड्स के हिसाब से, ठीक है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। पांचवा पॉइंट है रिस्क मैनेजमेंट। या सो रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल रिस्क एंड अनसर्टेनिटी इन द एनवायरनमेंट allows businesses to develop contingency plans and mitigate negative impact, ठीक है। तो risk management भी आपकी हो जाती है जब आप अपने market को scan करते हैं, right? आप ये पता कर पाते हैं कि क्या क्या uncertainties हैं, क्या क्या risk आपके market में available हैं already, जिनको आपको mitigate करना है, जो जो negative impacts हैं उन सारी चीजों को, उसको आपको कैसे टैकल करना है। तो उसके लिए आप कंटिजेंसी प्लान्स बना करके रखते हो, आप कंटिजेंसी फंड रखते हो अपने पास, कि किसी भी तरह का कोई अगर फाइनेंशियल बर्डन आया, कि किसी और तरह की अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको मिटिगेट कर पाओ, आप उसको संभाल पाओ, राइट। तो रिस्क मैनेजमेंट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉइंट्स जो कि मैं यहाँ पे बोलना चाहूंगा और आप इसको इंक्लूड कर सकते हो अपने आंसर्स में। आखिरी जो हमारा टॉपिक था वो था कंपोनेंट्स ऑफ मार्केटिंग एनवायरनमेंट। आपका मार्केटिंग एनवायरनमेंट में कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो ये मैं काफी बार आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर से बताता हूँ। कंपोनेंट्स में देखो माइक्रो एनवायरनमेंट आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा मैक्रो एनवायरनमेंट, है ना, और भी कुछ बताया गया है क्या? नहीं, मैक्रो और माइक्रो दो ही है। इसके अंदर एक्चुअली बहुत सारे हैं, दो ही हैं बट इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट हैं, तो वो आपको याद रखना है। देखो मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। माइक्रो मतलब होता है छोटे एनवायरमेंटल फैक्टर्स जो कि आपके बिजनेस की एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। आप यहाँ पे दिख जाएगा, आपको नाम देखो आप, कस्टमर्स, सप्लायर्स, इंटरमीडियरीज, कॉम्पिटिटर्स एंड पब्लिक्स, ये वो सारे हैं जो कि आपके माइक्रो एनवायरनमेंट का हिस्सा है। इनका कंट्रोल आपके पास है, आप चाहो तो इन सबको कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने कस्टमर्स के चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, आप अपने सप्लायर्स को कंट्रोल कर सकते हो, इनके ऊपर आपका कुछ हद तक कंट्रोल होता है। पर जो मैक्रो एनवायरनमेंट के फैक्टर्स हैं उनके ऊपर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि वो कम्प्लीटली आपके कंपनी के रीच के बाहर होते हैं, वो बियॉन्ड होते हैं, राइट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, इसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। आपको इन सब चीजों में जो भी चेंजेस आ रही हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अडेप्ट करना पड़ेगा, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। सो माइक्रो एनवायरनमेंट हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है कस्टमर्स। कस्टमर्स आर द फोकल पॉइंट ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स। आप जो भी मार्केटिंग एफर्ट करते हो, कस्टमर आपका मेन पॉइंट होता है, कस्टमर ही मेन आइटम होता है, आप बोल सकते हो, जिसके लिए आप चीजें कर रहे हो, राइट। तो उनके ऊपर आपका फोकस रहना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स, उनकी नीड्स को समझना, प्रेफरेंसेस एंड बिहेवियर्स इज एसेंशियल फॉर डेवलपिंग इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। अगर आपको इफेक्टिव मार्केटिंग स्ट्रेटजीज बनानी है तो कस्टमर के प्रेफरेंस, उनके बिहेवियर्स, उनकी नीड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसके अकॉर्डिंग डिसीजंस ले पाओ। दूसरा है सप्लायर्स। सप्लायर्स प्रोवाइड द रिसोर्सेज नीड फॉर प्रोडक्शन। किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए आपको रिसोर्सेज चाहिए, चाहे वो मॉनेटरी रिसोर्सेज हो, चाहे वो लेबर रिसोर्सेज हो, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो, किसी भी तरह का। तो सप्लायर्स को समझना, सप्लायर्स को स्कैन करना, जो आपका एनवायरनमेंट है, जो मार्केटिंग एनवायरनमेंट है, उसमें सप्लायर्स इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, आप बोल सकते हो। गुड रिलेशनशिप विद सप्लायर्स इंश्योर्स अ स्टेडी सप्लाई ऑफ क्वालिटी मटेरियल। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा बना हुआ अपने सप्लायर्स के साथ, तो जो आपके पास मटेरियल्स आएंगे वो क्वालिटी मटेरियल्स होंगे, अच्छी क्वालिटीज की सप्लाई होगी आपके पास मटेरियल्स की, एंड कैन इफेक्ट प्रोडक्शन कॉस्ट एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। और इसके जरिए जो है आपका प्रोडक्शन कॉस्ट पे भी इसका असर पड़ सकता है और आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी के ऊपर भी इसका असर पड़ सकता है।
तीसरा पॉइंट यहाँ पे बुलेट पॉइंट है इंटरमीडिएट्स। तो इंटरमीडिएट्स के ऊपर भी आपका कंट्रोल होता है और ये भी आपके माइक्रो इन्वायरमेंट का हिस्सा है। मार्केटिंग इंटरमीडिएट्स सच एज होलसेलर, रिटेलर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हेल्प द कंपनी प्रमोट, सेल एंड डिस्ट्रीब्यूट इट्स प्रोडक्ट्स टू द एंड यूजर्स। तो जो एंड यूजर्स हैं उनको अगर आपको अपने सामान को बेचना है ना, तो यहाँ पे किसके थ्रू बेचना पड़ेगा आपको? होलसेलर, रिटेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू बेचना पड़ेगा। ये सब कौन है? ये सारे के सारे मार्केटिंग इंटरमीडियरीज हैं, जिसके जरिए आप अपने सामान को बेचते हो, उसको हम लोग कहते हैं मार्केटिंग इंटरमीडियरीज। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, इंटरनल फैक्टर है, माइक्रो फैक्टर है आप बोल सकते हो, जिसको आप कंट्रोल करते हो और कर सकते हो। चौथा है कॉम्पिटिटर्स। तो कॉम्पिटिटर्स यार क्या बताऊं, कॉम्पिटिटर्स के ऊपर आपका कंट्रोल नहीं होता, पर अगर आप उसको ठीक तरीके से स्कैन करोगे, समझोगे तो उनकी क्या क्या स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेस है, वो आप समझ सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप स्ट्रेटजीज बना सकते हो कि किस तरीके से आप कॉम्पिटिटिव रह सकते हो अभी के टाइम पे अपने कॉम्पिटिटर्स से, है ना। ये तभी आपको पता चलेगा जब आप अपने एनवायरमेंट में इस फैक्टर को इंक्लूड करोगे और इसको भी ठीक तरीके से स्कैन करोगे, ठीक है। आखिरी बुलेट पॉइंट है पब्लिक्स, है ना। सो वेरियस पब्लिक सच एज मीडिया, यहाँ पे देखो मीडिया हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, गवर्नमेंट हो गया, प्रेशर ग्रुप्स हो गए, कैन इम्पैक्ट अ कंपनीज एबिलिटी टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स। आपकी कंपनी का जो भी ऑब्जेक्टिव वो सब धरा का धरा रह जाएगा अगर आप अपने पब्लिक्स को मेंटेन नहीं करेंगे। पब्लिक यहाँ पे सिर्फ कस्टमर्स की बात नहीं की जा रही है, वो उन सारे ग्रुप्स की बात की जा रही है, उन सारे लोगों की बात की जा रही है जो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट करते हैं। और उनका नाम भी बताया गया यहाँ पे, देखो मीडिया हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, ये बहुत ही हेविली इम्पैक्ट करते हैं आपकी कंपनी की एबिलिटी को कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। पॉजिटिव रिलेशंस विद दीज ग्रुप्स कैन एनहांस अ कंपनीज रेपुटेशन एंड मार्केट पोजीशन, ठीक है ना। तो अगर आपका पॉजिटिव रिलेशनशिप बना रहेगा इन सारे ग्रुप्स के साथ, तो आपकी कंपनी जो है इनहांस हो पाएगी और आपका रेपुटेशन जो है, मार्केट जो पोजीशन है, वो भी बहुत बेहतरीन बनता रहेगा। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पे हमारा, जो कंपोनेंट है हमारा एनवायरनमेंट का, वो है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो मतलब यहाँ पे हो गए बड़े फैक्टर्स जो कि आपके मार्केटिंग एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहला है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। सो नाउ इकोनॉमिक फैक्टर्स सच एज इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एक्सचेंज रेट्स इन्फ्लुएंस कंज्यूमर परचेसिंग पावर एंड स्पेंडिंग पैटर्न। ये बहुत ही टेक्निकल बात है, इकोनॉमिक्स की बातें हैं, मैंने बहुत सारी ऑलरेडी लेक्चर्स बनाई हुई हैं एमकॉम और बीकॉम के भी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा प्लीज मुझसे पूछो, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पे इन्फ्लेशन की बात की जा रही है। इन्फ्लेशन का मतलब है जब चीजों की दाम में बढ़ोतरी होती है। वो अनएम्प्लॉयमेंट आपको पता है, जब लोगों को रोजगार नहीं मिलता। इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी कंट्री की किस तरीके से, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो आपकी परचेसिंग पावर पैरिटी अच्छी होगी, पर कैपिटा इनकम अच्छा होगा, तो उसके जरिए आपकी जो परचेसिंग पावर है वो बेहतर होती जाएगी, है ना। तो ये वो सारे चीजें हैं, एक्सचेंज रेट्स के यहाँ पे बारे में बोला गया जो कि इन्फ्लुएंस करता है। तो ये इकोनॉमिक एनवायरमेंट्स हैं का वो हिस्सा है, ये जो मैंने चीजें बताई हैं जो कि आपके अपने आपकी जो बिजनेस को है इम्पैक्ट करता है। कंपनीज नीड टू अडैप्ट देयर स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक क्लाइमेट। तो जो भी इकोनॉमिक क्लाइमेट होगा, जिस भी एनवायरमेंट में आप काम कर रहे हो इकोनॉमिक एनवायरमेंट में, उसके अकॉर्डिंग आपको स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेगी, आपको अडैप्ट करना पड़ेगा अगर कोई नेगेटिव सिचुएशन होता है तो, राइट। इकोनॉमिक एनवायरमेंट काफी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। तो आपके बिजनेस में किस तरह की चेंजेस आ रही है? सपोज कोई मशीन है जो कि आपके प्रोडक्ट को 10 बना करके दे रही है एक घंटे में, पर कोई दूसरा मशीन है जो कि आपको एक घंटे में आपको 20 प्रोडक्ट बना के दे रही है, फिर 25 प्रोडक्ट बना के दे रही है। तो डेफिनेटली जो टेक्नोलॉजी, उसमें बदलाव आया है, टेक्नोलॉजी और बेहतर हुई है, तो आपका काम है नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना ताकि आप अपने बिजनेस को और बेहतर तरीके से बना सकें। चलो देखते हैं। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैन क्रिएट अ न्यू अपॉर्चुनिटी। देखो बोला गया है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कैन क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन एंड इफिशियंसी। स्टेइंग अपडेटेड विद टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स इज वाइटल फॉर मेंटेनिंग कॉम्पिटिटर्स, है ना। तो कॉम्पिटिटिवनेस अगर आपको बना करके रखना है तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स के साथ खुद को आगे रखें, अपडेटेड रखें। जैसे कि अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं मोबाइल में जितनी भी सारी चीजें हो रही हैं सोशल मीडिया पे, मैं उसके साथ बहुत ज्यादा अटैच नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि कैसे हो रही हैं। बट मुझे अगर कॉम्पिटिटिव बने रहना है, बिकॉज कॉमर्स ई पाठशाला इज अ बिग ब्रांड, राइट। वी हैव 25,000 सब्सक्राइबर्स विच नोबडी हैव राइट नाउ ऑन यूट्यूब। बट जो कॉम्पिटिटर्स हैं मेरे, जो वीडियोज बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनकी वीडियोज अच्छी नहीं है, बट डेफिनेटली वी मेक मच बेटर वीडियोज। और ये मेरा बिलीफ है, ये मेरा अहंकार नहीं है, तभी यहाँ पे मेरे पास 25,000 सब्सक्राइबर्स हैं। And I will try to make so much, you know, quality content so that people will come to us. And एक और request है दोस्तों यार तुम लोगों से कि तुम लोग यार please subscribe कर लो हमारे channel को। और अगर नहीं किया है तो मैंने देखा है कि not subscribed वाले जो watch करते हैं, जो watch time आता है हमारे पास, जो subscribed है वो
कंपैरेटिवली कम है जो नॉन सब्सक्राइबर्स हैं। वॉच तो कर रहे हैं पर उन्होंने सब्सक्राइब करके नहीं रखा, तो यार कर लो प्लीज, जिससे हमारा जो चैनल है वो भी ठीक तरीके से ग्रो कर पाएगा। आप समझ रहे हो, सिर्फ 10% लोगों ने हमारा सब्सक्राइब किया है हमारे चैनल को, और उसी में हमारे पास 25,000 है, जो हमारा जो चैनल का जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 2.5 लाख स्टूडेंट्स का है, अगर वो लोग ठीक तरीके से सब्सक्राइब करें, बिकॉज दे वॉच बट दे डोंट सब्सक्राइब। सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि एक जो टेक्नोलॉजी है उसके साथ आपको चलना पड़ेगा, उसको बेहतर बनाना पड़ेगा, जो कि मैं नहीं कर रहा था उतने दिनों से, बट आई एम वर्किंग ऑन दैट एंड आई विल वर्क ऑन दैट, आई विल कीप वर्किंग ऑन दैट, सो दैट कि जो है मैं अच्छे क्वालिटी कंटेंट्स आपको प्रोवाइड करा पाऊँ। ठीक है, तो ये तो हो गया। तो उसके जरिए किसी भी बिजनेस को अगर आपको अच्छा करना है तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत जरूरी है। उसके बाद है पॉलिटिकल एंड लीगल एनवायरनमेंट। तो पॉलिटिकल आप समझ रहे हो जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है, जो रेगुलेशंस होती है, उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। लीगल एनवायरनमेंट भी आप समझ रहे हो, जो किसी भी तरह का लॉ अगर है जो कि आपके बिजनेस को कोई काम करने से प्रोहिबिट करता है, रोकता है, तो वो भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट कर सकता है। तो किसी भी तरह का लॉ है या फिर किसी भी तरह का कोई पॉलिटिकल चीज अगर होगी तो वो भी आपके बिजनेस की मार्केटिंग एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करेंगी। गवर्नमेंट पॉलिसीज, रेगुलेशंस एंड लीगल इश्यूज कैन अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशंस। ये मैंने बोला, कंपनीज मस्ट कॉम्प्लाई विद लॉ। कंपनी जो है उनको जो लॉज है, जो नियम है, उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, उनको कॉम्प्लाई करना पड़ेगा, है ना। एंड रेगुलेशंस टू अवॉइड लीगल इश्यूज एंड इंश्योर स्मूथ ऑपरेशंस, है ना, ताकि किसी भी तरह का कोई लीगल इशू ना हो और आपका जो ऑपरेशंस है वो ठीक तरीके से चलता रहे। आखिरी बुलेट नहीं, आई थिंक ये सेकंड लास्ट बुलेट नहीं, और भी हैं बुलेट पॉइंट्स, कोई बात नहीं। सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट, ये भी आपको पता है कि काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सोशल नॉर्म्स किस तरीके की हैं, क्या वैल्यूज हैं, आप जिस बिजनेस को आप जिस जगह पे करना चाह रहे हो। सपोज हमारे यहाँ पे अभी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो यहाँ पे अगर आप अभी ठंडे के कपड़े बेचेंगे तो कोई खरीदेगा नहीं, राइट। तो सोसाइटी किस तरीके की है, है ना। एक और चीजें आप समझ के रखो, जैसे कि बीइंग अ मुस्लिम, मुझे पता है कि लोग मुस्लिम में क्या होता है कि लोग बुर्का पहनना पसंद करते हैं, खुद को ढक करके रखना पसंद करते हैं। इधर हिंदूज में भी सेम चीजें हैं, बट अगर आप फॉरेन में चले जाओगे तो वहां पे उस तरह का चलन नहीं है। तो अगर आप इंडियन अटायर्स को किसी फॉरेन कंपनी कंट्रीज में बेचने की कोशिश करोगे तो वो नहीं बिकेगा, क्योंकि वहां का जो सोशल कल्चर है, जो सोशल एनवायरमेंट है, जो कल्चरल एनवायरमेंट है, वो डिफरेंट है, राइट। तो उसको समझना बहुत जरूरी है, उसके हिसाब से आपको अपने बिजनेस को काम करना बहुत जरूरी है, राइट। सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज एंड डेमोग्राफिक इन्फ्लुएंस कंज्यूमर बिहेवियर। अंडरस्टैंडिंग कल्चरल ट्रेंड्स एंड सोशल चेंजेस हेल्प बिजनेस केटर टू डाइवर्स कस्टमर सेगमेंट इफेक्टिवली। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, राइट। उसके बाद है नेचुरल एनवायरनमेंट, जो आपका नेचुरल एनवायरनमेंट है। सो एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट चेंज, नेचुरल रिसोर्सेज एंड सस्टेनेबिलिटी इश्यूज कैन इंपैक्ट प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग एक्टिविटीज। कंपनीज आर इंक्रीजिंगली फोकसिंग ऑन इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस टू मीट रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स एंड कंज्यूमर उनको अफोर्ड भी कर सकते हैं वो लोग, क्योंकि जो ग्रीन चीजें हैं, है ना, जो कम्प्लीटली इको फ्रेंडली चीजें हैं, वो काफी महंगी आती हैं, राइट। तो जो भी हो, तो इसका इम्पैक्ट भी पड़ रहा है, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, जो लोग कर सकते हैं वो लोग प्रमोट भी करते हैं, राइट। तो इसका असर जो है आपको अपने बिजनेस की एक्टिविटीज में देखने को मिलेगा। आपकी ये आपका नेचुरल एनवायरनमेंट का हिस्सा है जो कि आपकी बिजनेस की एक्टिविटीज को इम्पैक्ट करता है, है ना। वही बात यहाँ पे बोली गई है, मैं इसमें फिर से पढ़ देता हूँ। एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज क्लाइमेट चेंज, है ना, नेचुरल रिसोर्सेज, कि आपके वहाँ पे कंट्री में क्या क्या नेचुरल रिसोर्सेज हैं, सस्टेनेबिलिटी कैसी है, कोई भी प्रोडक्ट कितने दिनों तक चलेगा, है ना, वो भी है। तो वो भी एक तरीके से काफी कंपनी के प्रोडक्शन को और उसकी मार्केटिंग एक्टिविटीज को इन्फ्लुएंस करता है। कंपनीज आर इंक्रीजिंगली फोकसिंग, है ना, धीरे धीरे करके वो इंक्रीज कर रहे हैं अपने फोकस को कि वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को बनाएं, ताकि जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है उसको भी वो लोग मीट कर पाए और कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को भी मीट करें, ठीक है। आखिरी बुलेट पॉइंट है डेमोग्राफिक एनवायरमेंट। तो डेमोग्राफिक एनवायरमेंट से एज, जेंडर, एजुकेशन, इनकम डिस्ट्रीब्यूट्स अफेक्ट मार्केट सेगमेंटेशन टारगेट, सभी को पता है यार, है ना। किसी का अगर इनकम ज्यादा है तो डेफिनेटली वो अच्छे प्रोडक्ट्स लेने की कोशिश करेगा, सेम चीजें रहेंगी लेकिन वो ब्रांडेड पहनने की कोशिश करेगा, कपड़े पहनने हो या कुछ भी करने हो, है ना। तो एज के ऊपर भी फैक्टर करता है यार, अब जो जिनकी एज कम है वो बड़ों के कपड़े थोड़ी पहनेंगे, या जो बड़ों के बड़े हैं वो छोटे के कपड़े थोड़ी पहनेंगे। तो एज फैक्टर करता है, जेंडर फैक्टर करता है, बहुत ही बेसिक सी बात है कि जो डेमोग्राफी है उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर पड़ेगा। तो वही बात यहाँ पे बोली गई है, एज, जेंडर, एजुकेशन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूट्स अफेक्ट मार्केट सेगमेंटेशन एंड टारगेटिंग। एनालाइजिंग डेमोग्राफिक ट्रेंड्स कैन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल मार्केट। इसको अगर आप एनालाइज करोगे तो जो आपके पोटेंशियल मार्केट्स हैं, जहाँ पे आपका प्रोडक्ट बिक सकता है, वो आपको पता चल जाएगा। हर प्रोडक्ट हर जगह पे नहीं बिकता, राइट, तो वो आपको पता चल जाएगा, तो वो एक पॉसिबल है। एंड टेलरिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजी अकॉर्डिंगली। आई होप के समझ में आ गया होगा। आखिरी जो कंक्लूजन, इसको कंक्लूड कर देते हैं, खत्म हो जाएगा ये।
कंक्लूजन क्या है, अंडरस्टैंडिंग एंड एनालाइजिंग द मार्केटिंग एनवायरनमेंट इज क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेसेस। किसी भी बिजनेस के लिए इसको एनालाइज करना, मार्केटिंग एनवायरनमेंट को क्रिटिकल होता है, बट वो करना पड़ेगा आपको। इट एनेबल्स कंपनीज टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, ये आपको हेल्प करता है कि आप अपने जो आपके अपॉर्चुनिटीज हैं आपके बिजनेस में वो आपको पता चले, वो आपको जो रिस्क है वो भी आपको पता चलेगा। अगर किसी तरह का रिस्क आराइज होता है तो उसको मिटिगेट कर पाओगे, उसको आप सॉल्व कर पाओगे, अगर आपको पता रहेगा उसके बारे में ऑलरेडी, राइट। एंड डेवलप स्ट्रेटजीज दैट आर अलाइंड विद एक्सटर्नल फोर्सेज, और आप अपनी स्ट्रेटजीज को बना सकते हो ताकि जो बाहरी फोर्सेज हैं आप उनको टैकल कर सको जो कि आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करते हैं। By staying attuned to both micro and macro environment factors, businesses can enhance their ability to serve customers effectively. है ना? अगर आप attuned रहोगे, अगर आप खुद को updated रखोगे अपने micro and macro environment के साथ, तो definitely आप अपने business को enhance कर सकते हो और आप अपनी अच्छी services provide कर सकते हो अपने customers को, right? अगर आपको अपनी अच्छी कस्टमर्स को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करनी है तो आपको खुद को अपडेटेड रहना आपके एनवायरनमेंट के साथ बहुत जरूरी है, और इसी जरिए से आप खुद को कॉम्पिटिटिव रख पाओगे आपके मार्केट में, राइट। तो ये हमारा नोट्स है, ये देख लो, ये हमारा एक टॉपिक मैंने आपको करा है, यहाँ से बहुत सारे टॉपिक्स हैं यहाँ पे जो आप कर सकते हो, राइट। सो ये देखो यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनके इनके नोट्स आप ले सकते हो, नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। इट विल कॉस्ट यू ओनली 100 रुपीस पर पेपर एंड आई एम गारंटिंग यू दैट यू विल गेट एटलीस्ट 60-70% इन द एग्जामिनेशन इफ यू विल डू आवर नोट्स, ठीक है। तो ये सफिशियंट एग्जाम के लिए अगर आप इनको करते हो आपके आराम से एग्जाम में 60-70% आ जाएंगे या उससे ज्यादा आ जाएंगे अगर आप इसको अच्छे तरीके से कर पाओ। हालांकि टाइम बहुत कम है, बट अगर आप करते हो डेफिनेटली आप पास हो जाओगे, अच्छे मार्क्स भी आपके आ जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग आवर चैनल and share this video to everybody so that everybody will get to know that we are uploading these videos and they will get benefited, right? And we have this group called BCom group jahan pe aap join kar sakte ho just at rupees 100 to get the assignments for free. Assignments aapko free of cost mil jayega jab tak aapka course complete nahi hota, theek hai, wo free of cost hai. Notes aapko sirf wahan pe dekho, abhi notes ki kimat kam hai, 100 rupees hai, lekin baad mein wo increase hogi kyunki wo session jo hai wo change ho jayega, hai na। एग्जाम के टाइम पे नोट्स हम लोग कम कर देते हैं प्राइसेस ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग अफोर्ड कर सके, लेकिन जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, कोई अगर नोट्स 5 महीने पहले ले रहा है तो उसके पास सफिशिएंट टाइम है कि वो खुद को स्टडी करके बेहतरीन मार्क्स ला सके, पर कोई अगर नोट्स 1 दिन पहले ले रहा है, 2 दिन पहले ले रहा है तो उसके पास वो टाइम वैल्यू नहीं मिल पाता उसको। इसीलिए वी हैव रिड्यूस द प्राइस टू 100, बट लेटर ऑन दिस प्राइस विल गो टू 300। तो जितने भी सारे लोग हैं वो यार फटाफट नोट्स ले लो अभी वाले, ठीक है। जो बाद में देंगे उनको भी मैं बोलूंगा कि सारे पेपर एक साथ लेना ताकि आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल पाए। अगर आप एक पेपर लोगे तो हो सकता है डिस्काउंट आपको ठीक तरीके से ना मिले, ठीक है। सो दैट्स इट, और लंबा नहीं खींचूंगा इस वीडियो को। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।